प्रदेश के बलिया जिले में मेवत थाना सिकंदरपुर के अंतर्गत में से लिलकर व नारायणपुर के गांव के राष्ट्रीय शोषित एकता मंच के द्वारा ही वह जन चौपाल गाया गया है और जनता के द्वारा ये मालूम हुआ है कि इस गांव के लिए वह आवास व शौचालय के नाम से अवैध वसूली की गई है। गांव में से वह 25 वर्षीय से वे रास्ते में से वह परेशानी है और जहाँ की परेशानी वह रास्ता नाली आवास शौचालय और वह विधवा पेंशन और वह वृद्ध पेंशन और वह कोई भी सरकारी योजना ना ही सोचाया जाता है और वह ना ही वह मिलता है और यही सब योजना पाने के लिए वह इस गाँव के लोग अपने संगठन बनाए हैं और इस समस्या के लिए कम से कम वह 2000 से अधिक लोग हैं और जिनके बच्चे को भी वह स्कूल जाने के लिए रास्ता की समस्या है और वह आज शिक्षक के वह जमाने में से वह नौजवान बच्चे की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। का नाम बताइए। शांता देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? लीलकर के मठिया। नारायण नारायण। प्रधान जी का नाम मालूम है आपको? रामा शकर नाम। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमारा दिक्कत बहुत है। क्या बताइए? ना ये बेरा लिख के पेंशन मिल, ना ये वो आवास मिल, हमार गोर खिया गोलू कर दुआ खिया गुल दो दत्त दत्त, हमार कोनो सुनवाई नहीं छे। आपको 2000 रुपया हमारा से ले लिया ना पहली प्रधानी में। अच्छा, 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए 2000 रुपये। क्या कह के लिए हैं? पेंशन बना है। पेंशन कौन सा? पेंशन विधवा पेंशन। अच्छा अच्छा, तो आपको अब पेंशन नहीं बना? कुछ ठीक है, आपने आवास के लिए शौचालय के लिए उनसे बात किया? हमरा के कुछ ना कहलन, कहता ना जो होई होई आज ले देते। अच्छा अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? हम तो बहुत ही पहले। हाँ, क्या हुआ, क्या बोले वो लोग? कुछ ना, केहू कुछ नहीं के सुना। तो प्रधान जी से आपने कहा नहीं कि मैंने वोट दिया है, हमें चाहिए योजना का लाभ? कुल कहले बन। तो क्या कहे थे? कहता ना जो हो जाए तई बेरा ले हो। अच्छा अच्छा, अभी कुछ हुआ नहीं है? नहीं। अभी आप चाहती क्या ही बताइए? हम ये चाहता नहीं कि भाई हमारों के कुछ चाहे। ना ना, प्रधान जी के खिलाफ क्या चाहते हैं आप बताइए? हम प्रधान जी तो यहाँ हारी से कपात हो रहा। अच्छा अच्छा, अब ये हम। हमारा नाम श्रवण है जी। कहाँ कराने वाले हैं? ग्राम पंचायत लेकर मठिया नारायणपुर कराने वाले हैं हम लोग जी। क्या मामला है यहाँ? देखें कई लोग जुटे हुए हैं। यह मामला यही है ना कि यहाँ का नई रोड बन रहा है, नई नाली बन रहा है, नई रहने का यहाँ पर बारात उरात यहाँ पर खड़े करने का जगह है, नई लाइटिंग बन रहा है, नई आवास यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि आप 4 साल कार्यकाल बीत जाने के बाद ये शिकायत कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग अभी हम लोग जाते थे वहाँ पर, प्रधान पद कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर नहीं बनवाएंगे, इसलिए हम लोग अभी इकट्ठा होकर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधान कहते थे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे, तो इसके लिए आपने प्रधान के उच्च अधिकारी से शिकायत की है? अधिकारी से अभी हम लोग नहीं किए हैं। क्यों? आपके ऊपर प्रधान जी दबाव बनाते हैं क्या? हाँ, प्रधान जी दबाव बनाते हैं, कहते हैं अभी उस पर कहते हैं उन लोग प्रधान जी के जाने के लिए, तभी साथ भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हम लोग का कहाँ से जा पाएंगे वहाँ पर? तो ये प्रधान जी दबाव बनाते हैं कि प्रधान जी के प्रतिनिधि दबाव बनाते हैं? प्रधान जी और उसके प्रधान जी के प्रतिनिधि सब लोग हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या वहाँ पर जाकर दबाव बना, जितने भी हम काम वहाँ पर जाकर कर रहे हैं, यहाँ से जाकर दबाव बना दे रहे हैं। इस समय हम लोग का यहाँ ना रोड का ना लाइटिंग का कुछ भी यहाँ से जांच नहीं हो रहा है। तो क्या कभी प्रधान जी के ओर से आपको धमकी मिली है क्या? धमकी नहीं मिली है। हाँ, तो तभी वहाँ से हम लोग धमकी नहीं मिले ना, उधर से आकर जाँच होगा तब ना हम लोग अभी नहीं ना जो वहीं से चला जाए। तो एक वक्त में आपका यह कहना है कि प्रधान जी दबाव बनाते हैं इसलिए आप उनके उच्च अधिकारी से शिकायत नहीं कर पाते हैं? नहीं। ठीक है, क्या आपको केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। तो जिस प्रकार से आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है और आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाला शौचालय भी हमको नहीं मिला है, तो आगे आने वाले 1 साल में अपने प्रधान से क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का बदलाव अपने ग्राम सभा में चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गांव का लाइटरिंग रोड आवास जो बारात उरात रहने का दिक्कत है वह सब बन जाए, शौचालय भी बन जाए, नाली भी बन जाए। तो जिस तरह का सर्वांगीण विकास आप चाहते हैं और आपको नहीं लगता है कि आपके प्रधान जी कर पाएंगे, तो इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे? देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस